गाजियाबाद से गोली मारकर आत्महत्या करने की घटना सामने आई है। घटना यूपी गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की है, जहां आपसी विवाद के चलते जीजा ने अपने सगे साले को गोली मार दी थी और मौके से फरार हो गया था। लेकिन आरोपी जीजा ने गाजियाबाद पहुंचकर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी ओर घायल साले को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। आज का मेन आज का ही मुद्दा बताना है। आज का तो कोई मुद्दा नहीं था, बस कल कोर्ट में तारीख लगी थी तो पुलिस वालों को सूचना कर दिखाई थी। नहीं, आपके यहाँ गोलियाँ चली? ट्यूशन छोड़ने गया था मेरे बच्चों को, छोटे छोटे दो बच्चे हैं, और ट्यूशन छोड़ के आ रहा था, यही गली कोर्ट का छोड़ने जाता है। ठीक है, तो वो छोड़ के घर में घुसा, पीछे पीछे वो आया और एकदम उसे ऐसे घुमा, गोली मार दी। हम तो पहचाने के पाए उसको, फोन हुआ कि मार के यहाँ पे उसको मार के हमारा, हम सोफे में यहाँ बैठे हुए थे, मैं और मेरी सास, मेरे सास पता नहीं, मुझे पता नहीं, हम छुप गए इधर उधर। फिर मेरी नंदन बैठी थी बड़ी वाली, उसको पता नहीं, वो पीछे वाले गेट से बाहर भाग गई शोर मचाने के लिए। इसकी वजह यह है जी, अभी 6 महीने पहले शादी हुई थी 21 फरवरी को, 21 फरवरी में जो शादी हुई थी वो लड़का थोड़ा बदमाश किस्म का लड़का है और हमारी मौसी ने रिश्ता करवाया था ये जबरदस्ती करके। ठीक है, हाँ जी, ये लड़का बहुत अच्छा है, इसके पास बहुत पैसा है, फलाना ढिकाना, हमारे हम सब लोगों के बिगर सहमति का रिश्ता हुआ था। ठीक है, फिर और उसके बाद से ही उसने लड़की को शादी के तीसरे दिन से ही उसने मारना कूटना चालू कर दिया। आज क्या हुआ? आज वो आया, हम मार्केट गए हुए थे। ठीक है, अभी आधे घंटे पहले हमारे पास बच्चों, इनके बहन के सिस्टर के पास फोन आया था उसी लड़के का, अभी आ रहा हूँ मैं तेरे गोली मार के जाता हूँ अभी। ठीक है, अभी या तो मैं भी मारूंगा और उसे भी मारूंगा। फिर उसके बाद वो आया अकस्मात, हमें पता नहीं था, हम इग्नोर मार के, इसका रोज का काम है, ये रोज का धंधा है, रोज धमकियाँ देना इसका रोज का काम है। आज शाम विजयनगर थाने पे 100 नंबर की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक जीजा है, उसने अपने साले को गोली मार दिया है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो मालूम चला कि एक दंपत्ति है जिनकी 6 महीने पहले विवाह हुए थे, उनमें कुछ विवाद चल रहा था। तो जो पति है वो अपने पत्नी के मायके आया था, वहीं पे पत्नी के भाई को उसने गोली मार दी।